तकरीबन 711 ईस्वी का जिक्र है। तारिक बिन ज़ियाद जब अपने दस्तों के साथ किश्तियों में बैठकर स्पेन की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में वो अजीब रूहानी तजुर्बा करते हैं कि जिससे उनको वो हौसला और उम्मीद मिल जाती है कि अब स्पेन इनका है। रात को जब ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है तो आप देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरीन और अंसार के साथ जंग के लिबास में तलवारें हाथ में लेकर तैयार खड़े हैं और तारिक बिन ज़ियाद से कह रहे हैं कि तारिक हम स्पेन जा रहे हैं, आप भी पहुंचिए। तारिक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ियारत के बाद पूरा ईमान की हद तक यकीन हो गया कि अब फतह मुसलमानों की है। फिर तारीख ने वो गैर मामूली वाकया देखा जिसको आज भी अंग्रेजी मुहावरे में बर्निंग योर बोट्स के नाम से या किश्तियां जलाने के नाम से याद किया जाता है। तारिक जिस चट्टान पर उतरे उसका नाम आज भी जिब्राल्टर या जबल तारिक है। जब मुसलमान वहां पहुंचे हैं, और एक बात और याद रखिएगा कि मुसलमानों के पास कोई कैवलरी नहीं थी, कोई घुड़सवार दस्ते नहीं थे, ये 12,000 सिर्फ प्यादा फौज थी जो तीर तलवार और नेजों से मुसल्ला थी। इनके मुकाबले पर विसिगोथ बादशाह रोड्रिक अपने तमाम काउंट्स और अपने तमाम जर्नैलों के साथ तकरीबन 1,00,000 का लश्कर लेकर आया। जब मुसलमानों ने यह देखा और तारिक ने यह देखा कि मुसलमानों में बेचैनी फैल रही है तो तारिक ने अपने तमाम किश्तियों को जलाने का हुक्म दे दिया और एक गैर मामूली तकरीर की जिसको तारीख ने आज भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तारिक ने उनसे यह कहा कि देखो तुम्हारे पीछे अब समुंदर है और आगे ये सल्तनत, हम में से कोई भी वापस जाने के लिए अब यहां नहीं आया, मैं तुम सबसे आगे जाकर इस जिहाद में हिस्सा लूंगा, अगर अल्लाह ने शहादत हमारे नसीब में रखी तो फबेहा, वरना कामयाबी तुम्हारे लिए है। इसी किस्म की वलवला अंगेज तकरीर के बाद मुसलमान सफारा होते हैं और एक खूनरेज जंग लड़ी जाती है। यूरोप की तारीख तब्दील करने में इस जंग ने फैसला कुन किरदार अदा किया। रोड्रिक और उसकी तमाम कयादत इस जंग में अपनी फौज समेत कत्ल कर दी जाती है और दफतन पूरा स्पेन बगैर कयादत के हो जाता है। जो पावर वैक्यूम क्रिएट होता है वो मुसलमानों के लिए एक गैर मामूली एडवांटेज का बायस होता है। तारिक आगे बढ़ते हैं और कई शहरों पर कब्जा करते हुए बराह रास्त स्पेन के मरकज कर्तबा की तरफ, कॉर्डोवा जिसे अंग्रेजी में, उसकी तरफ पेशकदमी होती है। जब ये कामयाबियों की इतला मूसा बिन नुसैर को पहुंचती है तो वो भी 18,000 की फौज लेकर कुछ अरसे के बाद स्पेन पर लैंड करते हैं और दोनों फौजें स्पेन में लिंकअप कर जाती हैं। इस हैरतअंगेज एम्फीबियस लैंडिंग को इल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत नज़म तारिक की दुआ में अमर कर दिया है। ये हमारा प्रोग्राम जिस नाम से, ये गाजी के नाम से है, ये इसी नज़म से लिया गया है जो अल्लामा इकबाल ने तारिक बिन ज़ियाद की इस लैंडिंग के बारे में फरमाई थी। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तारीख इस्लाम में ये इतना गैर मामूली वाकया था कि जिसने आने वाली दुनिया की पूरी तकदीर बदल के रख दी। तारिक बिन ज़ियाद की ये लैंडिंग जिसमें बहुत बड़ी रूहानी कुव्वत उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस निस्बत और ताल्लुक और बिशारत की है कि जो उनको ख्वाब में नसीब हुई, लेकिन उसका ताल्लुक उस जंगी हिकमत अमली से भी था और उन हथियारों से भी जो मुसलमानों ने वहां इस्तेमाल किए। एक गैर मामूली बात जो हम यहां बताना चाहेंगे कि गो के मुसलमानों के पास कैवलरी और भारी हथियार नहीं थे, मुसलमान जदीद स्टील साजी में, फौलाद साजी में दमिश्क में इतनी तरक्की कर गए थे कि एक जदीद लोहा ईजाद किया गया था जिसको डमास्कस स्टील कहा जाता था। 1400 साल के बाद आज भी दुनिया के आला तरीन स्टील में डमास्कस स्टील का नाम लिया जाता है। मुसलमानों की तलवारें डमास्कस स्टील से बनाई गई थी। ये तलवार ना टूटती थी ना कुंद होती थी और दुश्मन की तलवारें इनके मुकाबले में जब टकराती थी तो नुकसान उठाती थी। ये बजात खुद मुसलमानों की फनी महारत का भी एक गैर मामूली कारनामा था कि जिसको पहली दफा मैदान जंग में स्पेन की फतह करते वक्त इस्तेमाल किया गया। जो वेपन सिस्टम, जो मेटल, जो तलवारें मुसलमानों ने इस्तेमाल की, इससे पहले दुनिया ने ये तलवारें नहीं देखी थी। मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद स्पेन में जब लिंकअप करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्पेन पर चंद सालों में ही कब्जा कर लिया जाता है। जो आज का पुर्तगाल है वो भी मुसलमानों के कब्जे में आता है, लेकिन स्पेन के शुमाल में छोटी सी एक ईसाई रियासत बाकी रह जाती है। उसके अलावा पूरा आइबेरियन पेनिनसुला, पूरा स्पेन जो आज आप देखते हैं, मुसलमानों के पास आ जाता है। स्पेन की फतह के बाद मुसलमानों ने स्पेन के शुमाल में फ्रांस के जुनूब पर भी हमले करना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने यूरोप के अंदरूनी रास्तों की तरफ अपनी जगह बनानी शुरू की। 715 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर हजारों कैदियों, गनीमत और नवादरात के साथ
दमिश्क आते हैं और खलीफा को ये तहाइफ पेश किए जाते हैं। पूरी मुसलमान दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं कि अब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सूबा ऐन यूरोप के मरकज में दाखिल हो जाता है। यहां पर हम चाहेंगे कि स्पेन या अंदलुसिया की उस सल्तनत के बारे में थोड़ी सी बात करें कि जिसने 800 साल तक यूरोप में मुसलमानों की तहजीब को फरोग दिया, और आज की दुनिया की जो शक्ल आप देखते हैं उसकी तमाम तर बुनियाद यूरोपियन स्पेन या हस्पानिया से पड़ी। मुसलमानों ने जब स्पेन फतह किया तो पहले 50 साल तकरीबन अनस्टेबल थे, छोटी छोटी फतुहात जारी थी, कोई मजबूत हुक्मरान अपनी जगह पर नहीं आया था। गो के तमाम हस्पानिया या अंदलुसिया मुसलमानों के पास रहा, लेकिन कोई मजबूत हुक्मरान सामने नहीं आया। तकरीबन 750 ईस्वी में अब्दुल रहमान अद-दाखिल, उमैयद खिलाफत जब मेन दमिश्क से खत्म होती है तो अब्दुल रहमान दाखिल वहां से फरार होते हैं और बर्बर मुजाहिदीन के साथ स्पेन में दाखिल होकर कब्जा कर लेते हैं और स्पेन में एक उमवी हुकूमत की बुनियाद रखते हैं। यहां से स्पेन में मुसलमानों का एक सुनहरा दौर शुरू होता है जो तकरीबन 400 साल तक जारी रहा। यह वो दौर था कि जब कर्तबा दुनिया के अजीम तरीन शहर के तौर पर उभर कर सामने आया, बड़े बड़े शहर आबाद किए गए जिनमें गरनाता शामिल था, तमाम दुनिया की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी का मरकज अंदलुसिया बन चुका था। अरबी दुनिया की मरवजा जबान के तौर पर सामने आई और पूरे यूरोप से ईसाई और यहूदी इल्म हासिल करने, तहजीब और तमद्दुन सीखने, सकाफत और तालीम सीखने मुसलमान अंदलुसिया आया करते थे। जिस तरह आज दुनिया ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT और हार्वर्ड जाने की बात करती है, उस वक्त पूरा यूरोप अंदलुसिया आया करता था। फनून लतीफा में मुसलमानों ने इसको उरूज पर पहुंचा दिया। हर किस्म की आर्ट्स, क्राफ्ट्स, सनत और हुरफत, खूबसूरत बागात, नहरें और खेती बाड़ी का वो निजाम जो दुनिया ने उससे पहले कभी देखा नहीं था अंदलुसिया में जारी था। सिर्फ कर्तबा की लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थी। एस्ट्रोनॉमी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स पे जो रिसर्च की जा रही थी उससे पहले दुनिया ने ना कभी देखी, ना आने वाले वक्तों में बहुत कई सौ साल तक उस पाए की रिसर्च दुनिया में कहीं नहीं की गई। अरस्तु, सुकरात, अफलातून, बुकरात, इन तमाम के वो काम जो कि यूरोप में जाया हो चुके थे वो मुसलमानों ने तर्जुमा करके इनको महफूज किया कि आइंदा आने वाली नस्लें इनसे इस्तफादा कर सकें।